एनसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर की ओर से इंस्पायर्ड अवार्ड परीक्षा का आयोजन आज नारायणपुर और मुंडावर दोनों क्षेत्र में करवाया गया। नारायणपुर में लगभग 900 के आसपास विद्यार्थी, मुंडावर में लगभग 700 के आसपास विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो 7 जनवरी को नारायणपुर के विद्यार्थी और 21 जनवरी को मुंडावर क्षेत्र के विद्यार्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को सर्टिफिकेट देकर और अन्य जो हमारी तरफ से टॉप 10 विद्यार्थियों के लिए जो पुरस्कार घोषित किए गए हैं वो देकर के सम्मानित किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर आरसीआई के नीट, आईआईटी फाउंडेशन ब्लॉक, सीबीएसई ब्लॉक, आरबीएसई ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक में या कॉलेज या हॉस्टल ब्लॉक में यदि विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। आज जिन विद्यार्थियों ने आज इसमें भाग लिया है उनके अभिभावक और विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने हुनर को जानने के लिए, टैलेंट को पहचानने के लिए इस प्रकार की परीक्षा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। धन्यवाद। हेलो, आई एम कुणाल शर्मा। मैं आज आरसीआई एग्ज़ाम देने आया हूँ। मेरे पिताजी ने ये फॉर्म ऑनलाइन भरा था क्योंकि मैं खुद को जांचना चाहता हूँ, मैं खुद को एग्जामिन करना चाहता हूँ कि मैं कितना पढ़ चुका हूँ, मैंने इस साल कितना पढ़ा है। और मैं ईएमसी स्कूल से हूँ, वहाँ से मैंने फॉर्म भरा है। तो आज मैं इस एग्ज़ाम को देकर मैं खुद का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहता हूँ। बेटा, कौन सी कक्षा के लिए आप आज ने एग्जाम दिया है अपने? हमने सिक्स कक्षा के लिए दिया है। कितने प्रश्न आए थे और आपने कितने अटेम्प्ट किए? प्रश्न 50 आए थे, मैंने 42 क्वेश्चन सही करे हैं। 42 क्वेश्चन सही किए आपने? कॉन्फिडेंस से कह रहे हो 42 सही किए? हाँ, 42 सही करे मैंने। तो आपको क्या लगता है कि परीक्षा का जो लेवल था, प्रश्नों का लेवल था वो कैसा था? नहीं, परीक्षा का लेवल तो हमारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी मैंने कर दिया। वो मैथ के क्वेश्चन थे और विज्ञान के भी थोड़े कठिन थे, फिर भी हमने कर दिया। क्या लगता है आपको, जो आज आरसी एजुकेशन बानसू ने आपके क्षेत्र में ऐसा एग्जाम करवाया, और भी ऐसे एग्जाम होते रहने चाहिए? ऐसे एग्जाम होने चाहिए क्योंकि हम ऐसे एग्जाम में भाग लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल। और अभी आप कक्षा 6 क्लास में हो, बड़े और क्या बनना चाहते हो? मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, पैरा कमांडो बनना चाहता हूँ। पैरा कमांडो बनना चाहते हो? विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सर। मेरा नाम तनिषा धानका है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान सतपाल सिंह धानका है। आज इस पेपर को देने पर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मैं आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं कंपटीशन का पेपर पहली बार देने आई हूँ। आज तक स्कूल वालों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है ये, इसके लिए मैं आज बहुत उनको धन्यवाद भी करती हूँ, जिससे जो बच्चे हैं, जो और बच्चे हैं, उनकी जो झिझक है वो भी खुलती है। स्कूल जाने से भी कतराते हैं, लेकिन और जब उसी दिन आपकी परीक्षा हो तो आप और भी ज्यादा बहाने बनाते हैं। लेकिन इसके विपरीत आज एक छात्रा हमें मिली है, ये आप इनके हाथ पर देख सकते हैं, कैनुला लगा हुआ है और आज आज इंस्पायर्ड आवाज एग्जाम देने के लिए आई हैं। इनके पिताजी इनके साथ हैं। और छात्रा, बेटा आपका नाम क्या है? मानसी। मानसी नाम आपका। कौन सी कक्षा के लिए आपने आज एग्जाम दिया है? 6th के लिए। तो आप तो बीमार हो रहे हो फिर भी एग्जाम देने के लिए आ गए? मुझे अच्छा लगता है एग्जाम देना। आपको अच्छा लगता है? आपको क्यों लगता है कि मुझे एग्जाम देना चाहिए? बड़ा अफसर बन सकते हो आप। मेरे साथ इनके पिताजी भी हैं। मैं इनसे, सर आपकी गुड़िया है, आपको इसको लेकर के आए हैं बीमार होने के बावजूद एग्जाम दिलाने के लिए। ये सुबह पहले जिद करने लग गई, बोलो मैं जाऊंगी। मैं इनका बेटा डेंगू हो रहा है, अभी डॉक्टर ने बुलाया, 9 से 11 का टाइम है, उसके बाद अपन नहीं पहुँच पाएंगे, या तो यहाँ पहुँचे या फिर वहाँ। नहीं, रोने लग गई, बोलो मुझे परीक्षा देनी है। तो फिर मैंने सोचा चल बेटा परीक्षा ही देने चल। और 6th क्लास में हूँ मैं, सीट तो बड़े बच्चों को भी नहीं भरनी आती, पर ये जिद करने लगी तो बोलो। मैंने देखा तो सारे बहुत अच्छे पेपर किया है इन्होंने। आरसीआई एजुकेशन बानसूर ने आपके क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं की, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आरसीआई का, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस तरीके से और भी कई संस्थाएं, तो उनको भी करवाना चाहिए, पहली बार देखा है मैंने तो इस तरीके का, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओके, थैंक यू सर।